अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी किचन में बन रहा है चीज़ पनीर सैंडविच, और इसकी रेसिपी एक बार आप बनाएंगे तो आप दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए बनाते हैं चीज़ पनीर सैंडविच। चीज़ पनीर सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, और मैंने ये ब्रेड ले ली है, इसके 3 स्लाइस लिए हैं। मैंने ली है तंदूरी मेयोनीज़, पनीर लिया है मैंने, ये मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा, इन सभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा बटर लिया है और ग्रीन वाली चटनी ली है। सबसे पहले हमें ब्रेड पर लगाना है बटर, और इसको हमें बहुत अच्छा सा लगाना है, इसको चारों तरफ से हमें अच्छे से फिल करना है। इस पर लगाएंगे हम ये हरी वाली अपनी चटनी। और फिर इस पर लगाऊंगी मैं अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने काट कर रखी हुई हैं। इस बहाने बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। फिर इस पर मैं डालूंगी थोड़ी सी वाइट वाली मेयोनीज़ चीज़, सभी चीज़ें बच्चों की फेवरेट होती हैं। और इस पर थोड़ा सा डालूंगी मैं चाट मसाला, फिर अब मैं डालूंगी थोड़ी सी ओरिगैनो सीजनिंग, और वापस से मैं ब्रेड रख दूँगी इसके ऊपर, और फिर दोबारा से इस पर मैं बटर लगाऊंगी। आप चाहें तो ऐसे ही सिंपल भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक और लेयर्स लगा रही हूँ। अब इस पर लगाऊंगी मैं ये कटे हुए पनीर के पीसेस। और इस पर मैं लगाऊंगी ये अपनी तंदूरी वाली मेयोनीज। अब इस पर डालूंगी मैं बहुत सारा मोज़रेला चीज़। तो चीज़ तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जितना चीज़ ही होगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा। और चीज़ का तो पता है आपको कि सभी को बहुत पसंद आता है। और एक साइड लगाऊंगी मैं इस पर केचप, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसको वापस से मैं रख दूँगी ऊपर वाली लेयर पर, भी मैंने बटर लगाया है। और अब इस पे मैं वापस से डालने जाऊंगी ये अपना मोज़रेला चीज़, ताकि जब ये रेडी हो जाएगा तो एकदम से देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। गैनो, और अब हमारा ये चीज़ सैंडविच की सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और ये बन चुका है। बस अब हमें इसको बेक करना है। तो अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में बेक करें, मैं इसको माइक्रोवेव में ही बेक कर रही हूँ। नहीं तो आप चाहें तो इसको पैन पे भी बेक कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक करूँगी, ताकि इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। पहले मैं 1 मिनट ही टाइम सेट कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने 1.5 मिनट लगाया था, और 1.5 मिनट बाद देखिए ये कितना अच्छा सा बनकर रेडी हो गया है। देखिए लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। चलिए तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और दिखाऊंगी ये अंदर से कितना क्रीमी चीज़ी लगेगा आपको।
ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम से मार्केट वाला, और इतना चीज़ ही इतना क्रीमी है कि जो भी खाएगा उसको बस मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस रेसिपी को। और आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ के बारे में मुझे बताया करिए, आप लोगों को कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स किया करिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं। और लाइक भी ज़रूर करा कीजिए आप मुझे। तो चलिए अगली रेसिपी में मिलते हैं, आप इसको इन्जॉय करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।